मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण किया। 108 कमरे वाले इस भवन को दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में बनाया गया है। ये भवन सर्व सुविधा युक्त है। इस नए भवन के उद्घाटन में मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में सभी का धन्यवाद करते हुए मध्य प्रदेश की जनता को ये भवन समर्पित किया। कमलनाथ की 18 महीने की सरकार में जिस नए मध्य प्रदेश भवन की नींव रखी गई थी, वो भवन दिल्ली में बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस नए भवन को चाणक्यपुरी में 1.477 एकड़ में बनाया गया है। भवन को बनाने के लिए 2018 में ही स्वीकृति मिल गई थी, जिसका अनुमानित बजट 149.87 करोड़ रखा गया था। करीब 4 साल बाद यह भवन बनकर तैयार हुआ। इस नए भवन में 108 कमरे हैं, जिसमें 2 VIP स्वीट हैं, जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व है। इसके साथ ही इस भवन में मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल, एग्जीबिशन हॉल, आवासीय आयुक्त कार्यालय, किचन एरिया, डाइनिंग हॉल, VVIP लॉन्च के साथ 23 आवासीय फ्लैट की सुविधाएं उपलब्ध है। इस भवन की कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र NDMC द्वारा 31 जनवरी 2023 को ही दे दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस भवन का लोकार्पण करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह एक बीमारू राज्य नहीं रहा। इस साल 19.76% हमारी विकास दर है। हमारी GSDP 12 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है। देश की GDP में हमारा योगदान 4.3% है। यह मध्य प्रदेश भवन हमारी जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। पुराना भवन काफी छोटा था, इसीलिए यह नया भवन बनाया गया है। मैं सुषमा स्वराज जी और वेंकैया नायडू जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से भवन के लिए जमीन मिल पाई। साथ ही मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी सहयोग के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके निर्माण में और भी अन्य लोगों का सहयोग रहा है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। इस भवन की विशेषता ये है कि इसके पास सारे कार्यालय हैं। यह भवन आध्यात्मिक परिपूर्णता का प्रतीक है और सृष्टि की संपूर्णता का भी प्रतीक है। यह भवन केंद्र और राज्य के सह अस्तित्व की भावना को पूर्ण करेगा। अंत में मध्य प्रदेश की जनता को यह भवन समर्पित करते हुए इसके निर्माण में जिनका भी सहयोग रहा है, उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।